दोस्तों ये है दुनिया का पहला डॉल्बी पावर्ड वायरलेस नेक बैंड ईयरबड जो कि बोट ने डॉल्बी ऑडियो के साथ कोलैब करके बनाया है और इसको मैं लास्ट 3 दिन से चेक कर रहा हूँ और कैसा है कैसा नहीं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं विद ऑल द टेस्टिंग, तो वीडियो कंप्लीट देखना। वैसे इसके लॉन्च इवेंट में गया था और क्या क्रेजी लॉन्च इवेंट था, बोट का पहला टेक लॉन्च इवेंट था, काफी सारे फेलो क्रिएटर से मिले, तो आप सभी का थैंक यू, आप लोग की वजह से भाई ऐसे इवेंट में जा पाता हूँ मैं, थैंक यू सो मच। चलिए अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ। सो ये इनका सेलेस्टियल ब्लू कलर वाला डिब्बा है, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट कलर मिलते हैं, एक ग्रे है और एक ब्लैक है। बॉक्स के पीछे काफी सारे स्पेक्स मेंशन किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है, 10 मिनट चार्ज करोगे 10 घंटे तक यूज कर सकते हो, और फुल चार्ज कर लिया तो 30 घंटे तक चलेगा। और ये वायरलेस नेक बैंड है, 30 घंटे का मतलब स्ट्रेट 30 घंटा, बड़ी बात होती है। ब्लूटूथ 5.2 है, IPX5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको, बोट सराउंड साउंड है जो कि डॉल्बी ने बनाया है, और बोट का अडैप्टिव इक्वलाइजर मिल जाएगा आपको। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है 42 dB का, बहुत ज्यादा हाई होता है, सबको टेस्ट करते हैं। चलो काफी प्रीमियम पैकेजिंग है यार, ऐसे बुक की तरह ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर आपको आपका ईयरफोन रखा मिल जाएगा, 1 साल की वारंटी मिल जाएगी यहाँ पे प्रोडक्ट पे, यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसको पढ़ना जरूरी है, रीजन बताऊंगा आपको वीडियो में आगे। एक्स्ट्रा सिलिकॉन टिप्स मिल जाएंगे और एक टाइप सी वाला चार्जिंग केबल है, और बोट का स्टिकर मिल जाएगा। भाई इसको अपने दिल में चिपका लेते हैं, बोट के लिए मैंने दिल एक्स्ट्रा लगवाया यहाँ पे। और ये रहा प्रोडक्ट। सो दोस्तों ये है बोट निर्वाणा 525 ANC, यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल का यूज किया गया जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको प्लास्टिक यूज किया गया है, और ये बटन है, बटन काफी अच्छी क्वालिटी का बटन है। और जितना मैंने इसको यूज किया, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इसके जो बटन होते हैं आप देख नहीं सकते हो, बोट ने डिजाइन ऐसा किया है सारे बटन्स के बीच में काफी अच्छा गैप है, तो आप बार बार मिस्टेकली उल्टा पुल्टा बटन दबाते हो और एक्स्ट्रा बटन है। और ये जो स्पेशल बटन है इससे चेंज होता है ANC मोड, एम्बियंट साउंड और नॉर्मल मोड पे। और अभी बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर की जो की है बोट का ये हेरेबल एप्लीकेशन, इसको भाई इंस्टॉल करना भूलना मत, और एप्लीकेशन आप जैसे यूज करना शुरू करोगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इसका भाई इधर तो घूम रहा है, आराम से जाए कनेक्ट। सबसे पहले तो बटन सेटिंग्स, इसके बटन फंक्शनैलिटी को आप कर सकते हो, उसके बाद EQ मोड में आ जाना और यहाँ से आप अडैप्टिव EQ में जाओ और ये साउंड को पर्सनलाइज कर देगा आपके लिए। गेट स्टार्टेड, टेस्ट योर ईयर, शांत हो जाइए। भाई कब पैदा हुए थे? आज ही पैदा हुए हैं। हैप्पी बर्थडे। सिलेक्ट अ वॉल्यूम, एप्लीकेशन जो बोल रहे हैं दोस्तों वो सब करने के बाद आता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे मेरा पर्सनलाइज साउंड तो मिल चुका है, और जितना मैंने यूज किया आपको बता सकता हूँ। बेस को हल्का सा ऑप्टिमल कर दिया है और वोकल्स को थोड़ा क्लीन कर दिया, जो कि एक्चुअली मुझे सुनना पसंद है। डॉल्बी ऑडियो के अंदर आपको 2 मोड मिलता है वैसे, एक नेचुरल मोड और एक है मूवी मोड। मैं तो बोलूंगा नेचुरल मोड थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा मुझे, मूवी में शार्पनेस थोड़ी ज्यादा लगी साउंड में। नेचुरल मोड पर टैप किया मैंने, अभी 2 सेकंड लेता है चेंज करने में, और भाई बहुत एपिक है। नेचुरल मोड पे बेस इज टू गुड, वॉल्यूम फुल है, हल्का सा डिस्टॉर्शन है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर मैं मूवी मोड पे जाता हूँ ये थोड़ा ज्यादा शार्प बेस है, मतलब की हल्का सा आपको फील होगा आपके ड्रम्स में कि ड्रम्स से हिल रहा है। नाइस। और इसके अंदर डुअल पेयरिंग भी है, तो मेरा आईफोन तो यहाँ पे कनेक्टेड है और मेरा एंड्रॉइड भी यहाँ पे कनेक्टेड है एक टाइम पे, और यही सेम चीज आप अपने लैपटॉप के साथ भी कर सकते हो। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो AAC कोडेक मिलता है जो कि हाई क्वालिटी साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है आपके। तो डेफिनेटली बोट ने पूरा फीचर्स इस वाले बड्स के अंदर भर दिया है। और अगर बात करते हैं इसके साउंड की क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 11 mm का ड्राइवर मिला है। यहाँ पे जो ANC वाला बटन है, लॉन्ग प्रेस करोगे फॉर 3 सेकंड तो डॉल्बी ऑडियो मोड और बोट सिग्नेचर साउंड मोड दोनों चेंज होता रहेगा, और ये ईयरफोन बाय डिफॉल्ट डॉल्बी मोड पे आता है। वैसे यहाँ पे आपको 3 बटन मिला है, एक है वॉल्यूम अप, एक है वॉल्यूम डाउन, और ये बीच वाला मल्टीपर्पज बटन, एक बार प्रेस करोगे गाना पॉज, फिर प्रेस करो गाना प्ले, डबल प्रेस करो आपकी असिस्टेंट ट्रिगर हो जाएगी। देखो वॉल्यूम नीचे हो रहा है, यहाँ से वॉल्यूम ऊपर हो रहा है भाई। और जब म्यूजिक सुनकर थक जाओगे तो उसको पैसे निकालो और इसको रेस्ट मोड पे डाल दो, बोट इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकता है मेरे हिसाब से। और ईयरफोन की फिटिंग के बारे में बात करते हैं, फिटिंग तो काफी प्रॉपर आती है, एक बार दौड़ के बात हूँ। भाई इतना फास्ट में मैराथन में दौड़ूं तो इंडिया को मेडल दे दूं। और फिटिंग आपने देखा कितना प्रॉपर है, इसको कल से जिम में शुरू यूज करना। तो माइक की भी टेस्टिंग कर लेते हैं, कंप्लीट आवाज ये बोट निर्वाणा 525 से हो रही रिकॉर्ड। अभी नॉर्मल मोड पे, अब ये एम्बिएंट साउंड में स्विच हो चुका है, अगर आवाज में कुछ चेंज आ रहा है तो आपको डेफिनेटली नोटिस हो जाएगा। और ये वाला मोड है ANC मोड वाला। अभी मैं कंप्लीट ट्रैकिंग कर लेगा, और ट्रैफिक आवाज आ रही है अभी? ना बिल्कुल ना, एकदम 0%। ओके, साउंड क्वालिटी कैसी है? आवाज अच्छी है। इसके ऊपर आप कॉलिंग बहुत आराम से कर सकते हो, और मैंने भी जितनी कॉलिंग की सारी कॉलिंग बहुत ही आराम हो पाती है। और अगर बात करते हैं बैटरीज के बारे में, तो अगर आप 40 मिनट चार्ज करोगे तो फुल चार्ज हो जाता है, और फुल चार्ज के बाद 30 घंटे लगातार चलने वाला है। जितना मैंने इसको यूज किया मुझे बैटरी की कोई भी इशू नहीं हुआ, एक बार मैंने 10 मिनट के लिए चार्ज किया है ताकि वीडियो बनाते वक्त कहीं भी डिस्चार्ज ना हो, और कुछ इशू नहीं हुआ। इसके अंदर जो मैग्नेट्स है वो प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है, जैसे कि अगर इसको मैं कनेक्ट करता हूं तो इसको ऑफ हो जाना चाहिए था, इससे बैटरी बहुत ज्यादा बचती है। एक फीचर बोट ऐड कर सकता है, बाकी हर चीज इस प्रोडक्ट में डेफिनेटली काफी अच्छा लगा मुझे। सबसे अच्छा ANC और इसका सराउंड साउंड इफेक्ट एंड बोट का जो डॉल्बी से कोलैब है उसके जो साउंड क्वालिटी मिली आपको काफी ज्यादा अच्छी है। डेफिनेटली सर प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और इसकी प्राइसिंग 2799 है, डेफिनेटली अच्छी प्राइसिंग है, और ये अवेलेबल होने वाला है आपके नजदीकी ऑफलाइन मार्केट्स में, तो मार्केट में जाओ और उसको आप आराम से खरीद सकते हो। और इस वीडियो को देखते रहते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।